सरकारी स्कूल के बच्चों के ऑनलाइन नामांकन में उम्र सीमा की शर्त को अब हटा दिया गया है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर कक्षा के अनुरूप उम्र सीमा की बाध्यता खत्म होने से अब वैसे बच्चों की भी पोर्टल पर एंट्री होगी जिनकी उम्र निर्धारित कक्षा के अनुरूप कम या अधिक है। पहले उम्र सीमा निर्धारण के कारण भी बच्चों के ऑनलाइन नामांकन नहीं हो पा रहे थे। राज्य के सरकारी स्कूलों के प्रधान अध्यापकों और शिक्षकों की 25 जून से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोष पोर्टल ऐप विकसित किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि शिक्षक अब प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेंगे। अपर मुख्य सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों इसे अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश दिया है। प्रधान अध्यापक और शिक्षक कैसे ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेंगे इस संबंध में विभाग की ओर से वीडियो भी जारी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा बिहार में सरकारी नौकरियों में एससी एसटी ईबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% करने संबंधी फैसले को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय गैर कानूनी और संविधान के विरुद्ध है। कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा है कि 75% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को मिलाकर संविधान की धारा 14 और 16 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो 50% आरक्षण की सीमा तय की है उसका भी उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो यह संवैधानिक बेंच ही तय करेगी। इस मामले में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि शीर्ष अदालत से अपील की गुहार की जाएगी। बीपीएससी बीएसएससी समेत राज्य का कोई भी आयोग अब नौकरी के लिए आयोजित मुख्य परीक्षा का केंद्र पटना और आसपास नहीं बनाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय हुआ राज्य के सभी परीक्षा आयोग ऑनलाइन परीक्षा ले सकेंगे। स्क्रीनिंग यानी कि प्रिलिमिनरी टेस्ट राज्य में कहीं भी आयोजित होगा पर मुख्य परीक्षा पटना या आसपास ही लेनी होगी। अब तक बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार राज्य कर्मचारी चयन या तकनीकी शिक्षा आयोग ऑफलाइन परीक्षा ही लेते रहे हैं। बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक बहाली की परीक्षा 29 तारीख को होने वाली है। इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। साथ ही सक्षमता 2 जो कि बीएससीबी द्वारा आयोजित की जाने वाली है उसका भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप दोनों एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।